हुजूर आला जनाबे आली, आप हैं मेरे बोले तो सिद्धू के साथ। शाम की 6:12 हो गए हैं और फीवर 104 FM पर। मुझे तो अब तक यही पता था कि आज ट्यूसडे है, लेकिन बाहर आते से लेकर अपने स्टूडियो तक आते आते पता चला कि आज वर्ल्ड पोएट्री डे है, आज इंटरनेशनल कलर्स डे है एंड आज है वर्ल्ड पपेट्री डे भी। बताओ मतलब आज क्या क्या दिवस है रे। पपेट्स को तो देखने का एक अलग मजा ही आता था, स्पेशली जब हम मेले में जाते थे तो कुछ बाहर निकलता था, ओह व्हाट फन। और जी आज के दिन में हम बात करने वाले हैं मिस्टर विग्नेश पांडे से, जो कि एक वेंट्रलोक्विस्ट हैं। ए वेंट्रलोक्विस्ट, ससुर जब हमारा अंग्रेजी कच्चा है तो काहे अंग्रेजी कितने भारी शब्द देते हो। जो कि सालों साल काफी इंटरेस्टिंग चीजें करके लोगों को हमेशा एंटरटेन करते आए हैं। ये कौन है, ये लड़की का आवाज आ रहा है कोई फोन पे, कोई लड़की है, किसके साथ बात कर रहे तू? एक मिनट। हेलो हेलो विग्नेश, हेलो 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 हेलो, हाय, नाइस टू मीट यू मैन। सॉरी मेरी पपेट है वो मूड खराब है उनका। हाँ झूठी है, लाइन मत मार इस पे। एक मिनट सर। बाप रे बाप। तो फिलहाल जी हम आपको बताते हैं कि ये पपेट्री डे जो हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, तो विग्नेश पांडे जी इस इंडस्ट्री में काफी सालों से हैं, ऑलमोस्ट 8 ईयर्स, और ये बड़े बड़े शोज में आ चुके हैं, काफी सारे कमर्शियल एड्स और टेलीविजन के एड्स जो होते हैं उसमें भी आ चुके हैं, लाइक इंडियाज गॉट टैलेंट, कॉमेडी सर्कस, यहां तक वो पहुंच चुके हैं। तो हमने कहा कि चलो आज के दिन में उनसे बात करते हैं। तो सर जी सबसे पहले हेलो हाय, कैसे हैं आप? मेरा सिद्धू, तुमसे 3-4 साल से रुकी हूँ मैं शादी करने के लिए, तुम इतने जल्दी फोन कर रहे हो, मुझे मालूम है 3 ईयर इससे आगे तुम क्या कर रहे हो। एक मिनट, पहले मुझे बात करने दो इनसे। नहीं प्लीज, एक मिनट। हेलो सिद्धू। हेलो सर। प्लीज हमें बताएं कि ये जो प्रोफेशन है इसका कीड़ा कहाँ से आया, कब आया? मुझे मेरे दोस्तों को पहले से हंसाना बहुत पसंद था, तो मैंने सोचा कि इसको और क्या कर सकते हैं, तो मेरे पास में ये प्रॉप घर पर ही थे, मैंने सोचा वेंट्रोलोक्विज्म से स्टार्ट कर सकते हैं। मेरी एक एना करके एक पपेट है, तो वो बहुत फेमस हो गई है ऑनलाइन, कभी कभी मेरा फोन भी उठाती है, कभी कभी नहीं हर बार। मैं इम्पोर्टेंट बात कर रहा हूँ, पता है क्या बात कर रहा है, लड़की है आगे। तो ये होती है, कभी कभी डिस्टर्ब करती है। Oh my God, this is so exciting. नहीं नहीं वो डिस्टर्ब तो करती, लेकिन मैं उनसे कहना चाहता हूँ कि आपकी आवाज मैडम जी बहुत बढ़िया है, हमारे जो सुनने वाले हैं श्रोतागण हैं, क्या आप उनके लिए कोई गाना सुना सकते हैं? देखा टैलेंट की परख है इसको। आप की नजरों, अरे ये नहीं गा सकती, प्लीज इनसे गाना मत गवाओ, मैं आपको बता रहा हूँ बहुत तकलीफ हो जाएगी, सारे लिसनर आपके पास जाएंगे। जब इतना बढ़िया गाना हो तो कान में अपने आप ही सन्नाटा छा जाता है। फिलहाल ये एक गाना सुन के हमारा मन नहीं भरेगा, पर हम चाहते हैं कि हम आपके और आपके पपेट के वीडियो जरूर देखें। यार वैसे इनको सुनने में इतना मजा आ रहा है, तो सोचिए इनको देखने में कितना मजा आएगा। तो वो हम कहाँ देख सकते हैं? आप मुझे और मेरे पपेट को यूट्यूब पर देख सकते हैं, या फिर मैं हूँ वेंट्रोलोक्विस्ट, मगर मैं खुद को स्टेज पर बुलाता हूँ वेंट्रोलोक्विस्ट, यानी कि LOLQuist, और विग्नेश पांडे करके मेरा चैनल है, जरूर देखिए, बहुत फनी कंटेंट है, आपको शायद पसंद आएगा। सो प्लीज मुंबई मेरी जान, प्लीज गो एंड वॉच द वीडियोस, और पसंद आए तो उसे प्लीज लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। फिलहाल आना, आपको कुछ कहना है इस बारे में? ये सब फेंकता है, इसका कुछ सुनो मत, कुछ नहीं है वहाँ पर, इसी विश के ऊपर चांस मारने की कोशिश कर रहे, भाग जा। ये आज इनका मूड खराब है, मैं आई एम सो सॉरी। बुरा क्या, तेरे को तो मैं चप्पल से मारूंगी। बाप रे, इनका तो मूड वाकई बहुत ज्यादा खराब है। वंडरफुल, विग्नेश पांडे हमारे साथ, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस विग्नेश। एंड विग्नेश पांडे को आप देखना ना भूले इनके चैनल पर।